स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है हम लोगों को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एंथ टर्म्स ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। तो क्वेश्चन का मतलब है कि एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज का जो एंथ टर्म होगा वो इक्वल होगा। अगर आसान लैंग्वेज में हम लोग समझें तो यहाँ पे हम लोगों को दो एपीज दे रखी हैं, ठीक है। अगर इन दोनों एपीज का एंथ टर्म आपस में इक्वल है तो एन की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को दो एपीज दे रखी हैं। सबसे पहले क्या करें, इन दोनों एपीज को एक बार लिख लेते हैं। सो दो एपीज हैं तो एक को तो हम लोगों ने नेम दे दिया एपी वन, और एपी वन है क्या, दैट इज 63, फिर उसके बाद 65 है, देन 67 एंड देन सो मेनी टर्म्स, करेक्ट। और जो दूसरी एपीएस को हम लोगों ने नेम दे दिया एपी टू, और एपी टू क्या है, 3, 10, 17 एंड सो मेनी टर्म्स। अब आते हैं हम लोग इस एपी पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हियर ए, ए का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 63। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 65 में से 63 को माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो फर्स्ट एपी में कॉमन डिफरेंस है 2 और फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है ए। नेक्स्ट एपी पर आए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म कितना है, 3, बट क्योंकि डिफरेंट एपीज हैं तो इसको हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए डैश इक्वल टू कितना है, 3, कॉमन डिफरेंस डी डैश, राइट। तो डी डैश कैसे निकाला जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो सेकेंड टर्म है 10, फर्स्ट टर्म है 3, और जब माइनस किया तो ये आ गया 7। इसका मतलब सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस है 7 और फर्स्ट टर्म है 3, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है कि दोनों एपीज का जो एंथ टर्म है वो कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट एपी का जो एंथ टर्म होगा वो क्या होगा, ए एन, और सेकंड एपी का एंथ टर्म क्या होगा, ए डैश एन, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब ए एन का एक्सपेंशन क्या होता है, ए एन के प्लेस पर रख सकते हैं हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इक्वल का साइन लगा देते हैं। ए डैश एन के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश, करेक्ट। अब जो भी वैल्यूज हम लोग जानते हैं वो वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखिए ए के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए कितना है, 63, तो यहाँ पे रखा 63 प्लस एन माइनस वन एज इट इज रख रहे हैं क्योंकि एन तो फाइन करना है हम लोगों को, सो एन माइनस वन ब्रैकेट में रखा। डी के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी की वैल्यू पता है 2, राइट, सो दिस इक्वल टू ए डैश हम लोग जानते हैं कितना है 3, सो 3 पुट किया प्लस एन माइनस वन, एन तो फाइन करना है तो ये एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। और डी डैश के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं कितना, 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 63 है, इसको एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, प्लस का साइन लगाया। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग एन में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 2n, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2, दिस इक्वल टू 3 है, एज इट इज़ रख देते हैं हम लोग, प्लस का साइन लगा दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7n, और 7 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तब इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 7, ठीक है। अब 63 और माइनस 2, 63 और माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 61 प्लस 2n है, राइट, इसको एज इट इज़ हम लोग रख देते हैं, सो 2n इक्वल का साइन है लगा दीजिए। 3 और माइनस 7, तो 3 और माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 7n है, इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम लोग n वाले टर्म्स एक तरफ करें और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके जाएं, ठीक है। तो 7n को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं इस साइड में और 61 को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं इस साइड में, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2n तो अपने प्लेस पर है ना, तो 2n और 7n को ट्रांसपोज किया गया है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 7n एंड दिस इक्वल टू माइनस 4 अपने प्लेस पर है तो माइनस 4 हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, और 61 को हम लोगों ने ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में आएगा तो माइनस का 61। अब देखिए 2n माइनस 7n तो कितना हो गया, माइनस का 5n एंड दिस इक्वल टू माइनस 4 एंड माइनस 61, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन लगाएं और दोनों को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 65। हमें निकालना क्या है, हमें तो n चाहिए, तो इस माइनस 5 को भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस 65 अपने प्लेस पर है और माइनस 5 को ट्रांसपोज किया गया है तो ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो माइनस का 5 नीचे गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13।
सो एन इक्वल टू वॉट 13, इसका मतलब दोनों ए पीज का 13th टर्म कैसा होगा, इक्वल होगा, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।